दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए बात करते हैं आज के पेपर की। तो देख सकते हैं ये 8 जून की पेपर है और इसमें जितना भी बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देख सकते हैं अमेरिका जैसा होगा बिहार का रोड नेटवर्क। ये नितिन गडकरी ने जो कल गांधी सेतु का जो शिलान्यास किया गया, क्योंकि अब दोनों तरफ से जो है रोड का परिचालन शुरू हो गया है तो उसी पे है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो देख सकते हैं उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले गांधी सेतु की दूसरी लेन को केंद्रीय परिवहन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया है। इस मौके पर 13,585 करोड़ रुपए की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लोकार्पण समारोह में गडकरी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में 2024 के पहले ही बिहार का रोड नेटवर्क जो है तो अमेरिका के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है। गडकरी ने कहा कि गांधी सेतु बिहार का लाइफ लाइन है, इसका उद्घाटन करते हुए उन्हें खुशी है। देख सकते हैं गांधी सेतु जो है तो चालू हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए गडकरी ने लाइफ लाइन है, इसका उद्घाटन करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। स्टील स्ट्रक्चर के लग जाने से इस पुल का आयु काफी लंबी हो गई। इन्होंने NH85 यानी छपरा सिवान होते हुए गोपालगंज तक 2 लेन वाली 94.26 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए जिस पैकेज की घोषणा की थी उसमें 55,000 करोड़ रुपये परियोजना उनसे संबंधित थी। इसमें बिहार बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आगे यदि देखा जाए तो देख सकते हैं जो कि इसका कंक्लूजन थोड़ा थोड़ा करके जो कि और क्या क्या है। तो ये तो हम लोग कल भी देखे ही थे इस परियोजना का शिलान्यास, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ये रोड बनाई जा रही है। चलिए तो ऊपर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उमगांव से कलवाही तक से जो है पहाड़ घाट पे जो है रहिका से रामपट्टी मधुबनी तक जो है ये देख लीजिए। उसके बाद NH 527A वो विदेश्वर स्थान पे जो है पे भेजा NH लंबाई इसका है 88.65 किलोमीटर 65 किलोमीटर। NH 02 जो है वो औरंगाबाद पे जो है चोरदाहा 6 लेन का है 69.53 किलोमीटर, लागत जो है इसका 1508 करोड़ रुपया है। गोपालगंज शहर से NH 27 गुजरती है, एलिवेटेड लेन है 2.75 किलोमीटर लंबी 185 करोड़ का है। बेगूसराय पे 4 लेन एलिवेटेड सड़क देख सकते हैं 4.23 किलोमीटर, लागत है 256 करोड़। जयनगर बाईपास 2 लेन है ROB द्वारा, लागत है 70 करोड़। एम से नौबतपुर तक सड़क लंबाई जो है 10.84 किलोमीटर, लागत है जान देख सकते हैं 88 करोड़ रुपए की। तो ये देख सकते हैं अगले यहाँ पे देख लीजिए ये हाईलाइटेड है इसीलिए देख लेते हैं। अगले वर्ष तक 1350 किलोमीटर NH का निर्माण 18,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। देश के सबसे बड़े स्टील ब्रिज के रूप में शुमार हुआ गांधी सेतु। तो ये हम लोग के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। देख सकते हैं देश के सबसे बड़े स्टील ब्रिज के रूप में शुमार हुआ गांधी सेतु। नेक्स्ट देखते हैं हाजीपुर में केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी सेतु की पूर्वी लेन का लोकार्पण किया। 1742 करोड़ की लागत से 66,380 मीट्रिक टन जंग रोधक स्टील पर तैयार हुआ स्ट्रक्चर। 2 पुलिस पोस्ट बनाए गए हैं, लेन में नहीं रुकेगी कोई वाहन। ये फक्त उतना हम लोग के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। तो पर भी चलिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो देख सकते हैं नेक्स्ट एथेनॉल बनाए जाने को लेकर सीमा नहीं रखी जाएगी, नीतीश कुमार का ये है। अब देखते हैं ये क्या है, हम लोग एक नजर देख लेते हैं क्योंकि एथेनॉल का अभी जो प्रयोग जो है बहुत जोरों शोरों पे हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को केंद्र से आग्रह किया है कि एथेनॉल के निर्माण की कोई सीमा नहीं रखी जाए, इससे देश में एथेनॉल की कमी नहीं होगी। गांधी सेतु की पूर्वी लेन का लोकार्पण व अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह में केंद्रीय नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया। गडकरी ने कहा कि वह एथेनॉल से चलने वाली वाहन भी बिहार में लाएंगे। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को बधाई देते हुए कहा कि एथेनॉल के संबंध में आपने जो काम शुरू किया है उसके लिए हम आपको नहीं भूलेंगे। इसके उत्पादन पे बिहार के साथ साथ देश के भी विकास होगा। राज्य सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि हर प्रकार का सहयोग रहेगा। राज्य सरकार विकास
होगा और देश के विकास में भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एथेनॉल निर्माण के लिए मैंने 2007 में ही योजना बनाई थी, मगर उस समय केंद्र सरकार इसे नहीं माना। देख सकते हैं तो ये एथेनॉल पे है, तो एथेनॉल देख सकते हैं मंच से शाहनवाज फकरी मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की, ये पे हम लोग के लिए नहीं है, मगर ये हाँ एथेनॉल के जो बात है तो एथेनॉल सब कुछ में पेट्रोल सब में मिलाने की बात जोर शोर पे चल रही है और केंद्र सरकार ने अपना जो वादा किया था उसको 2022 में पूरा करने का, वो अभी ही जो है 7 महीना पहले ही वो पूरा हो चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ, अगला न्यूज देखते हैं कि क्या है हम लोग के लिए है। ठीक है, जो भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम लोग बात करें। गांधी सेतु ही दोनों लेन पर 6 साल के बाद परिचालन शुरू हुआ, ये देखे अभी ये हम लोग पहले पन्ने पर देखे हैं। कीर्तिमान स्थापित कर रही है केंद्र व राज्य सरकार चौबे, ये पब हमको विश्वकर्मा है नितिन गडकरी, ये पब देख सकते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना सबसे अलग संजय, अब देखिए ये गंगा जल आपूर्ति योजना जो संजय झा जो है ये मंत्री है इसका, तो चलिए ये देख लेते हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया, जल जीवन हरियाली दिवस। इस मौके पर देख सकते हैं, इस मौके पर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। ये हम लोग के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना विषय पर परिचर्चा किया गया था, कब? जल जीवन हरियाली दिवस के आयोजन पर। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि आजादी के बाद से बिहार में विकास की बहुत सारी परियोजनाएं काम हुआ है, लेकिन गंगा जल आपूर्ति योजना उन सब से अलग और अनूठी है। यह लाखों लोगों को पीने के पानी के संकट से बचाने की योजना है। गंगा जल दक्षिण बिहार में भी पहुंचेगा यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। राजनीति में ऐसे नेता विरले ही होते हैं, मतलब नीतीश कुमार जी का ये जो है वो पूरे बखान कर रहे हैं, देख सकते हैं, जो वर्तमान के साथ भविष्य की भी चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के कारण गंगा जल दक्षिण बिहार में राजगीर तक पहुंच चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट यदि देखें तो यही कह रहा है, जुलाई में यह गया तक पहुंच जाएगा। कोरोना संकट के बावजूद जल संसाधन विभाग ने इतनी बड़ी योजना निर्धारित समय पर पूरी किया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के साथ दुनिया के कई देश सूखा और भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। ये हम लोगों को भी यह सोचा नहीं था कि अपने बिहार में दरभंगा और मधुबनी जैसे जिले में भी जल संकट की खबर आएगी, जिसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है। कौन सी? जल जीवन हरियाली में अभियान, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस सबको नोट करते रहिएगा। इस मौके पर जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है गंगा जल आपूर्ति योजना, मतलब जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत ही आता है जल आपूर्ति योजना, ठीक ना, गंगा जल आपूर्ति योजना। कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली मिशन, कृषि विभाग, नगर विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग और वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग कई उसमें मौजूद थे, तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट के तरफ देखते हैं और हम लोग के लिए क्या है। वो सेतु के लोकार्पण में नेता प्रतिपक्ष आमंत्रित नहीं, पार्टी ने वो ये हम लोग के लिए, योजनाओं की हो रही निगरानी 1 जुलाई से बदलेगा व्यवस्था, ये भी हम लोग को एक नजर देखना जरूरी बनता है। अब क्या व्यवस्था बदल रहा है, वो हो सकता है कुछ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो देख सकते हैं। प्रदेश के कार्य विभाग से जुड़े सरकारी कार्यालय के साथ ही कुछ अन्य विभागों के 1 जुलाई तक वित्तीय लेन देन की व्यवस्था बदलेगी, इसके साथ ही योजनाओं की निगरानी भी प्रतिदिन होगी। योजनाओं की वित्तीय निगरानी और निर्माण योजनाओं का अद्यतन स्थिति पर नजर रखे जाएंगे। सरकार ने 1 जुलाई से वामिस, मतलब क्या है वो देख लीजिए, वामिस मतलब, वामिस का अर्थ है वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे जो कि वामिस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मेसन सिस्टम लागू करने की अनुमति दी है, तो वामिस मतलब ये होता। सरकार ने अपने फैसले की जानकारी वैसे प्रमुख विभागों को दे दी है जहां सबसे पहले वामिस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को जो प्रभावित है, जो सरकार ने 13 जून से जो है बंद करने का निर्णय किया था। सी एफ एम
सीएफएमएस के स्थान पर जो है तो जुलाई पे नई प्रणाली वित्तीय लेन देन की स्वीकृति के साथ निगरानी की व्यवस्था लागू होगी। तो देख सकते हैं ये योजना पे यही 1 जुलाई से ये बदलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जितना हम लोग के लिए कारगर है उतना ही करेंगे, ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा पूछेगा नहीं तो वो लोग हम लोग को करने पे क्या फायदा। कवर में पूजा स्थल दाह संस्कार की जमीन देने पर आगरा के, अब ये हम लोग के लिए मंत्री मंत्री की पत्नी के निधन पे पीएम शोक, ये सब नहीं है हम लोग के लिए। दल बदल करने पर 10 में सिर्फ 3 विधायक पार्षद की हुई वापसी, दल बदल विधेयक तो आप लोग जानते ही हैं, दल बदल जो अधिनियम है। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग चलते हैं, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज देख सकते हैं अध्ययन पेज, देखा दीखी कैंसर की पूरी तरह खत्म करने की राह, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं मगर यदि देख लेंगे 42,000 नवनियुक्त शिक्षक वेतन का भुगतान, ये सैन्य प्रमुखों से एक रैंक नीचे वाले भी बन सकेंगे सीडीएस, ये क्या है वो एक नजर देख लिया जाए क्योंकि सीडीएस आप लोगों को पता ही है सैन्य प्रमुख से एक रैंक नीचे भी बन सकेंगे सीडीएस, तो ये क्या कहा जाता है वो देख लिया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के जो है सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए भी सीडीएस बनाने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने नियमों में संशोधन पर जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि अब नए सीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी। रक्षा मंत्रालय के नियुक्ति से जुड़े नियमों में जो बदलाव किया गया है उसके बाद अब सीडीएस के चयन के लिए फिर सैन्य अधिकारियों का दायरा बढ़ जाएगा। अभी तक तीनों सेनाओं के प्रमुखों का स्तर यानी कि जनरल रैंक का जो होता था, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल रैंक के अधिकारी ही सीडीएस के पद पर नियुक्ति के पात्र थे, मगर अब जब इसमें संशोधन कर दिया गया है तो आप जो भी बड़े होंगे वो उसको नियुक्ति किया जा सकता है। सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना के एयर मार्शल और नौसेना के वाइस एडमिरल स्तर के अधिकारी नए नियमों के अनुसार सीडीएस बनने के पात्र होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेना प्रमुख के एक रैंक नीचे, एयर मार्शल वायुसेना के प्रमुख से एक रैंक नीचे और वाइस एडमिरल नौसेना प्रमुख के एक रैंक नीचे पद है। नए नियमों के हिसाब से सेवारत सैन्य प्रमुखों को सुपरसीड करके योग्य उम्मीदवार को सीडीएस बनाया जा सकता है। ये देख सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के युवाओं के लिए खुला रास्ता, ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है देखा जाए। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के बड़े सुधारों और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम तेज करते हुए तैयार किया है। इस दिशा में टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत युवाओं को सेना में जोड़ने का बड़ा ऐलान किए जाने का संकेत है। किस योजना के तहत, तो टूर ऑफ ड्यूटी योजना, ये याद रखिएगा टूर ऑफ ड्यूटी योजना पूछ सकता है। तीनों सेनाओं ने प्रमुख बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभावनाओं को इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैन्य सुधार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना टूर ऑफ ड्यूटी तीनों सेनाओं में लागू करने की घोषणा की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के छोटे कार्यालय के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। सैन्य बलों के में सुधार के साथ उनमें खर्च कम करने के लिहाज से भी टूर ऑफ ड्यूटी योजना को कारगर माना जा रहा है। इस योजना के तहत जो है तो करीब 50,000 जवानों की भर्ती होगी और 4 सालों में नौकरी के बाद इसमें से 75% लोग का रिटायर कर दिया जाएगा और 25% से अधिक सक्षम लोग सेना में बने रहेंगे। तो ये जो होगा वो टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करें, एक चीज इसमें देख लीजिए, इसमें उम्र जो है वो देख सकते हैं, इसमें उम्र की बात जो की गई है तो हो सकता है हाल में सेवानिवृत्त हुए सेना प्रमुख या उप सेना प्रमुख भी जो है तो देख सकते हैं प्रमुख भी देश के शीर्षस्थ सैन्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसमें सीडीएफ की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष निर्धारित कर अधिक लचीलापन की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसकी वजह से तीनों सेना प्रमुखों के कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है, जो भी जल्द होता है। सीडीएफ बने रहने की अधिकतम उम्र सीमा जो है आपको 62 वर्ष ही रहेगा। तो सीडीएफ जो है वो अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष तक ही आप रहेंगे, उसके बाद आपको नहीं रहेंगे। तो ये देखना हम लोग के लिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि पूछ सकता था सीडीएफ के लिए कितना उम्र सीमा लास्ट निर्धारित है, तो 62 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग।
देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, ये तो हम लोग भी देखे, यहाँ सवेरे का ही न्यूज है। जेडीयू के अफगान रविंद्र के फैसला, ये हम लोग के लिए नहीं है, जो भी हम लोग के लिए होगा वही चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देख सकते हैं डायल 112 का ट्रायल शुरू, सड़कों पर दौड़ने लगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल। समझ सकते हैं ये जो है, बस यही हम लोग को फिर देखना है यहाँ पे, जो कि 112 जो है ट्रायल शुरू, सड़कों पर दौड़ने लगेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल। तो 112 जो है किस चीज के लिए है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हीकल जो है, व्हीकल जो है उसके लिए है। ठीक है चलिए, और आगे यदि हम लोग देखा जाए तो बेउर जेल पे फोन कर व्यापारी पे मांगे रंगदारी, जेल ये पर हम लोग के लिए नहीं है। देख सकते हैं एक नजर में, एक सेकंड, यही सब है नेक्स्ट। हाँ देख सकते हैं महालक्ष्मी, ये हम लोग के लिए नहीं, सबके साथ पकड़ी गई गाड़ी 8 बिहार, बिहार के हम उम्र गुलजार बाग प्रेस, पुरानी मशीनें अब नहीं नीलामी में सोना, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। कैलाश के नीतीश के रिमांड पर होगी पुलिस की, पुराने पुल तोड़ने पर 10 दिनों तक बर्दाश्त, ये सब हम लोग के लिए नहीं है दोस्तों। ठीक नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IGIC के नए भवन में इलाज शुरू, IGIC जो है हृदय रोग में प्रदेश में सबसे बड़े है और चुनिंदा स्थानों पर अस्पताल का पहले दिन ही गई एक एक एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टिक। देख सकते हैं ये क्या है, वो एक बार नजर देख लिया जाए क्या है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की संभावित समीक्षा बैठक के मध्य मंगलवार को IGIC प्रबंधन ने पूरी तैयारी की थी, किसी तरह की चूक अथवा कमी को गुंजाइश न हो इसके लिए एक दिन पहले कार्यों का निरीक्षण किया गया। मंगलवार को न केवल नए भवन में इमरजेंसी और कुछ अन्य सुविधाएं शिफ्ट की गई बल्कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी की गई। हालांकि अपर मुख्य सचिव के निर्धारित 5:30 बजे, ये नहीं है, ये कुछ है, हम लोग के लिए नहीं है, हम तो सोचे कुछ होगा, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेठ में 2 तरह का मौसम, सरे राह महिलाओं को उठाने की कोशिश, ये सब जानवे करते हैं, इतना लुच्चा लफंगा लोग है जो क्या कहा जाए। चलिए केले के उत्पादन चल रहा है, काम जोर शोर पर, चलिए ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, तब जो है वो नहीं हो रहा है जूम, कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं। राज्य में केले की खेती करीब 32,000 हेक्टेयर में हो रही है, कितने हेक्टेयर में हो रही है, तो 32,000 हेक्टेयर में हो रहे हैं। प्रति वर्ष 13 लाख टन केला का उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ केला से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर काम चल रहा है, सर्वाधिक 34 हेक्टेयर में खेती जो है, 3400 हेक्टेयर में खेती वैशाली जिले में हो रही है। केले से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन के साथ आर्थिक समृद्धि के नए अवसर गढ़े जा सकते हैं। आने वाले दिनों में केले के चिप्स से लेकर आटा व अचार समेत कई उत्पाद जो है वो इससे बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं ये केला के उत्पादन के बारे में आप सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखा रहा है, तो वैशाली में 1750 हेक्टेयर में जो है, मधेपुरा में जहाँ पे 3402 हेक्टेयर के सर्वाधिक वैशाली में होती है, 1895 हेक्टेयर मुजफ्फरपुर, 2310 हेक्टेयर के साथ समस्तीपुर में। केला अनुसंधान केंद्र में जो है क्वालिटी सुधार पर काम चल रहा है। केला अनुसंधान केंद्र जो है गरोल में है, केला की क्वालिटी की सुधारने के काम चल रहा है, तो कहाँ पे है, गरोल में। ठीक है, केला के कई उत्पाद हो रहे हैं, तैयार की गई कई तैयारियां। चलिए जितना था काम का वो चीज हम लोग दिन ने देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि जो भी मिलता है उसको देख लिया जाए। देख सकते बीपीएससी पेपर लीक कांड में 3 पे गिरफ्तार हुआ है दिल्ली से, नई शिक्षा संवेदा प्रशिक्षण, ये देख सकते हैं ये हम लोग के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज। नेक्स्ट पेज में देखा जाए अस्पताल में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आयुक्त संप हॉफ का न्यूनतम लेवल था, ये हम लोग के लिए वजन के जलपूर्ति को मरम्मत के लिए नहीं है। अपने अधिकारों के प्रयोजन के लिए महिलाएं 95 होगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 चलेगा अभियान, 95 होगा स्वच्छता सर्वेक्षण, इसको एक नजर देख लिया जाए क्या है को, चलिए देख लेते हैं। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत हो गई है,
यहाँ पे देख सकते हैं पटना नगर निगम बेहतर प्रदर्शन रणनीति में जुट गई है, 95% कितना है 95% अंक प्रतियोगी होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण के विषय कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए अवशिष्ट से समृद्धि का ओर रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का अभी परिणाम नहीं आया है। 75% अंक प्रतियोगी थे। 10 लाख का अधिक जनसंख्या वाले 49 शहरों की श्रेणी में पटना शामिल है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जल्द ही परिणाम घोषित करेंगे। पूर्ण स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत कर दी गई है। सबसे ज्यादा अंक कचरा प्रबंधक पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए 600 अंक था। पटना स्वच्छता रैंकिंग 2021 में जो है 48 शहरों में 44 स्थान पर था, ठीक है। और 2020 में जो है सबसे गंदे शहर में पटना शामिल था, और 2021 में जो है 48 में 44वां स्थान पर था पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज की बात कर लें। तो नेक्स्ट न्यूज की बात कर लें तो हम लोग देख सकते हैं जो कि लोन के साथ में ये बिहटा औरंगाबाद रेल खंड के निर्माण मुख्यमंत्री के लिखा पत्र, ये तो हम लोग के लिए नहीं है, फॉर्म भरने की ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पटना पे है। 1885 के एक कानून के वजूद में आया था बिहार उड़ीसा लोकल बोर्ड भवन। अब ये क्या है, तो ये तो करंट पे नहीं है, तो पर भी एक नजर यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए देख लिया जाए, देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल की बात है। 1885 के एक अधिनियम से बिहार उड़ीसा लोकल बोर्ड भवन वजूद में आया था। किस एक्ट के तहत? 1885 के एक अधिनियम के तहत जो है दानापुर में सैनिक छावनी परिसर में लोकल बोर्ड का अपना भवन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल बोर्ड के माध्यम से स्थानीय नागरिक सेवाएं मुहैया कराने का प्रबंध किया था। बोर्ड को रोड टैक्स, नदी घाटी टैक्स, पेड़ के फल, रेसे, हाट बाजार से चुंगी वसूल का अधिकार था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैसे स्वच्छता और यातायात की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। पटना के आसपास के तार, खजूर, आम, महुआ, बेर आदि के बगीचे लोकल बोर्ड के पेड़ों के बंदोबस्त का एक साल के लिए करता था। उसने जो राजस्व आता था उसे नागरिक सेवाओं में लगाया जाता था। ये देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यदि रहेगा काम का तो हम खुद रुक के उसको कर देंगे। हम तो सोचे कुछ मिलेगा इसमें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपीरियल विंडो ये पर संस्कृति महोत्सव 60% बजट, स्थानीय कलाकारों पर होगा खर्चा। ये देख सकते हैं, तो संस्कृति महोत्सव पर जो है 60% बजट स्थानीय कलाकारों पर होगा। मंत्री आलोक रंजन का निर्देश, कलाकारों का बढ़ेगा मानदेय। निगम और की ओर से प्रमंडल में होगी फिल्मों की प्रस्तुति। ये क्या है, वो भी देख लिया जाए एक नजर। बिहार राज्य फिल्म विकास वित्त निगम लिमिटेड की ओर से आने वाले दिनों में फिल्म का प्रसारण प्रमंडलीय स्तर पर हुआ बहुत जल्द होगा। गांव देहात में रहने वाले बच्चों को फिल्मों के प्रति उत्सुक बढ़ाएगी। वहीं अगले माह से फिल्म की बारीकियों से अवगत कराने को लेकर जो है फिल्म वित्त निगम की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जल्द ही फिल्म नीति बनाई जाएगी, अभी बना नहीं है। फिल्म शूटिंग को लेकर गतिविधियां बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी यदि रहेगा तो हम देख, प्रदेश में हुई फिल्म की शूटिंग, फिल्म प्रस्तुति के दौरान माझी द माउंटेन मैन फिल्म के साउंड डिजाइनर साहब आलम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग को लेकर कई लोगों ने कहा था कि बिहार में फिल्म की शूटिंग करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में हमारी टीम ने फिल्म निर्माण विद्या से जुड़े लोगों की बातों को दरकिनार कर दिया और इसके आसपास इलाकों में 70% फिल्मों की शूटिंग की गई थी। दफरत माझी जो फिल्म है द माउंटेन मैन उसका, ठीक है, वही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे का न्यूज यदि देखा जाए तो देख सकते हैं ऐसा, प्रख्यात कवि रचनाकार से लोगों को करेंगे लोटपोट। ये महाराष्ट्र में आएगा, कलाकारों के गीतों से पेशकश का जीत। ये भी हम लोग का नहीं है, प्रोजेक्ट की भूमि पूजन 10 को PMCH के 4 समेत 10 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज, यही सब है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग, बक्सी मैदान मोहल्ले में बदमाश, ये हम लोग के लिए नहीं है। अनियंत्रित हवाओं से ने बाइक सवार दोस्त को कुचला, ये भी नहीं है। कुरपुर ये भी नहीं है। दानापुर पुनपुन में होगी बारिश। गोविंदपुर अस्पताल ये भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बिहार पे जितना भी था वो हम लोगों ने देखा है, आगे हम और देख लेते हैं। यदि आप लोग को नेशनल इंटरनेशनल भी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, तो हम इसी पे चैनल पे नेशनल इंटरनेशनल भी लाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। फिर कल हम लोग इसी समय में मिलते हैं।
थैंक यू।